हेलो बच्चों, मैं इमरान से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। सो आज की इस वीडियो में हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल बोल सकते हैं, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है सिर्फ उनका ही अगर इंटीग्रेशन आ जाए तो किस टाइप से इस क्वेश्चन को फेस करेंगे, कैसे प्ले करेंगे, यहाँ पर अच्छे से देखना आपको। तो सिर्फ टेन इनवर्स एक्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिया है, चाहे यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, कोस, कोट, कोसेक, सेक कुछ भी आ जाए, कैसे उसको इंटीग्रेट करेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर आपको सिर्फ फंक्शन एक ही लिखा हुआ है, इसमें गलती के चांसेस ये होते हैं कि टेन इनवर्स एक्स का स्टूडेंट जल्दबाजी में 1/1 + x² या कि जो उसका डेरिवेटिव है वो लिखकर आ जाते हैं, जिससे कि गलती होने के चांसेस ज्यादा है। क्वेश्चन कंफ्यूजन के लिए 1 मार्क्स में गिवन होता है, एमसीक्यूज में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर करना क्या है आपको, सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करनी है। और यहाँ पर आप देखते हैं आपको दो फंक्शन बन गए, एक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, दूसरा एल्जेब्रिक फंक्शन। अब यहाँ पर दो फंक्शन बन गए, मीन्स प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होता है, आइलेट फॉर्मूला। आई मतलब इनवर्स, यानी कि ये फंक्शन फर्स्ट हो जाएगा, आई एल लॉगरिथमिक, ए एल्जेब्रिक, तो काउंटिंग जो एल्जेब्रिक में आती है सेकंड फंक्शन बन जाएगा। आइलेट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या होता है आइलेट फॉर्मूला, बहुत अच्छे से आपको याद है ना, नहीं पता तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। आइलेट फॉर्मूला, दो चीजें कभी भी प्रोडक्ट में आ जाए तो आइलेट फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके से अप्लाई होना है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, जो भी आएगा उसका इंटीग्रेशन पूरे का, तो इसे बोलते हैं कंप्लीट फॉर्मूला। आइलेट फॉर्मूला का प्रोडक्ट फॉर्मूला ये होता है। तो अप्लाई कैसे करना ये भी देखो, फर्स्ट एज इट इज, ठीक है, सेकंड इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी एक्स होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट हमारे पास टेन इनवर्स एक्स है, फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि एक्स, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, कोई परेशानी नहीं है, हो गई इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर, अब तो आराम से क्वेश्चन कर लेंगे, सिर्फ यही चीज समझनी थी। तो यहां पर एक्स अपॉन 1 + x² इसको कैसे करेंगे, यहां पर करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसका डेरिवेटिव ऊपर गिवन है, तो यानी कि लेट कर लेते हैं 1 + x² को क्या मान लें, एक मिनट के लिए टी मान लेते हैं, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, dt/dx, कोई परेशानी नहीं है, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, एक्स dx की वैल्यू आ गई 1/2 dt। अब यहां पर पुट कर देंगे एक्स, टेन इनवर्स एक्स सेम, एक्स डीएक्स की वैल्यू 1/2 dt, इसकी वैल्यू क्या है, 1 + x² की वैल्यू है t, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसे लिखेंगे x, tan इनवर्स x, 1/t का होता है log t, हर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के लास्ट में आता है c, और यहां पर t की वैल्यू पुट करना नहीं भूलनी है, क्या है 1 + x² यहां पर पुट कर देंगे, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 + x², यस और नो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सिर्फ हमने क्या करा यहाँ पर स्लाइड में टी की वैल्यू पुट करिए। होप से क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पसंद आ गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन मीन साइन इनवर्स एक्स या कोस इनवर्स एक्स का सेपरेट क्वेश्चन आता है, तो आप उसे भी प्ले कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और हाँ साथ ही साथ ये भी चीज ध्यान रखें, चैनल पर अगर आप नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।